लगने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। जी किससे मिलना है? क्या ये सीमा का घर है? सिर्फ सीमा का घर नहीं है ये। ओ भाई हमारा मतलब के रहती तो यही है ना? जी जी यही रहती हैं। तो बस उन्हीं से मिलना है हमें। तो सीधा सीधा इस तरह बोले ना, इधर उधर की बातें कहाँ की कर रही हैं आप? जी आइए अंदर अंदर अंदर। इतना अच्छा लग रहा है कि तुम लोग आए, बहुत ही दिनों बाद मुलाकात हुई तुम लोगों से। तुमको तो पता है शादी हो गई और उसके बाद हम हनीमून पर चले गए और पूरा मुल्क घूमे, हम पूरे एक महीने के बाद वापसी हुई हमारी। अच्छा अच्छा, हाय हाय हाय, लीजिए जनाब ये लें। यहाँ खाएंगे या घर साथ ले जाएंगे? जान क्या हो गया तुम्हें, किस तरह का सवाल कर रहे हो तुम? अरे मैंने कहा ऐसी पूछ लूं। खाएं खाएं चिप्स खाएं, पहली दफा खाते हुए कैसा महसूस हो रहा है? चुप करो, आप लीजिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, अब आए हैं तो खा कर ही जाएंगे। वैसे मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्यों भला? तुमने अपनी शादी पर नहीं बुलाया। वो सबको यही शिकायत है, पता है सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में हुआ, किसी को बताने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा ये बताओ हनीमून पर कहाँ गई थी तुम? वो हनीमून असल में अभी तक गई नहीं हम लोग। क्या कह रही हो, अभी तक हनीमून पर नहीं गई तुम? ये किसी किताब में फर्ज है कि हनीमून पर जाना जरूरी है? भाई नहीं गई होंगी, मजबूरी होती है। वो बात तो ठीक है लेकिन फिर भी, खैर छोड़ो, बहुत अफसोस हुआ कि हनीमून पर नहीं गई अभी तक तुम। बेगम क्या बात है, आप इतनी उदास क्यों हैं? उदास होने वाली बात है इसीलिए उदास हूँ। हुआ क्या है बाबा? बच्चों मैं सोच रही थी कितने दिन हो गए हमारी शादी को और हम हनीमून पे ही नहीं गए। हनीमून? बाबा ये क्या है, क्यों हो तुम ऐसे बच्चों? हनीमून नहीं, हनीमून यानी कि घूमने जाना। अच्छा अच्छा, तो इसमें क्या है बाबा, चलो अभी बाहर चलते हैं, आइसक्रीम भी खाएंगे घूम के भी आएंगे। ओहो बच्चों, यूं बाहर मार्केट से घूम के आ जाने को हनीमून नहीं कहते? बाबा फिर कैसे कहते हैं? मतलब कि घूमना मगर कहीं दूर शहर से बाहर, किसी और शहर, किसी और मुल्क, ऐसे। बाबा अच्छा तो चलो गांव चलते हैं। घूमने की बात कर रही हूँ मैं। अरे बाबा आप मेरे गांव चलें, सारा दिन आपको घुमाऊंगा, कभी नहर पे कभी खेत में, कसम से बड़ा मजा आएगा। लगता है बेगम आपको मेरी बात कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई है। बात ही ऐसी की है। अरे बाबा जब से शादी हुई है तब से हम गांव भी तो नहीं गए ना। बच्चों उदास में तो ऐसा करते हैं, हम पहले कहीं दूर घूमने चलते हैं, वापसी में गांव के फिर वापस आएंगे। हैं? हाँ बाबा ये ठीक है, बस मैं टिकट बुक कराता हूँ। किधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो? अरे बाबा टिकट करवाने। कहाँ के? बाबा गांव से बहुत आगे के टिकट। रहने दो मैं खुद करवा लूंगी फोन पर। बाबा फोन पर हो जाता है? हाँ हाँ हो जाता है, सब काम हो जाते हैं फोन पर। अच्छा बाबा कर लो फिर कर लो। क्या हुआ बाबा? फोन बिजी जा रहा है। अरे बाबा तो क्या हुआ, वो जा रहा है तो हम भी जा सकते हैं। कौन जा रहा है? अभी तो आपने कहा वो जा रहा है, वो कौन है, बिजी जा रहा है? ओहो मेरा मतलब था कि फोन जो है ना वो मसरूफ मिल रहा है। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं बाबा, बाद में कर लेना। अरे बाबा टिकट हो गए, आप बहुत मजा आएगा। क्यों क्या हुआ बाबा? आहिस्ता बोले। क्यों? अगर जरीना को पता चल गया तो वो भी तो साथ लग जाएगी ना। छोड़,
हाँ बाबा चलो अंदर, चलो अंदर, चलो बाबा अंदर। अरे भाई फुर्सत के लम्हात आने वाले हैं, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है तुमसे। आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ। मुसीबत है मौलाना साहब, आप? हाँ हाँ भाई, मैं मतलब क्या मतलब मैं नहीं दिख रहा है तुझको यार। मेरा मतलब था कि अचानक आप आ गए। अचानक यार क्या मतलब अचानक? यार मैं जब भी आता हूँ बाबा के तुम मुझे कहते हो अचानक आ गए। ओ बाबा ये मेरे बेटे का घर है, मेरी मर्जी है, मैं जब आऊँ जब जाऊँ। अरे मैं तो आपको देख के खुश हो जाता हूँ। मुझे लग रहा है तुम्हारी शक्ल से कि तुम्हें खुशी हो रही है। अच्छा सारी बातें छोड़े, अंदर चले। हाँ ठीक है, ये पकड़। अरे बाबा कोई है? लगता है छुट्टी का ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। अरे बाबा खैरियत तो है, इतनी उदास क्यों बैठी है तुम? कुछ नहीं बाबा, सही में आपको याद कर रही थी। तुम्हें आ गया, वो पैसे तो मैंने तेरे को भिजवा दिए थे। नहीं बाबा सही मिल गए थे, बट मुझे और पैसे चाहिए थे ना। अरे बाबा तुम ले लेना ना, अभी मैं आ गया हूँ ना, बल्कि अब तो मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ आया हूँ ना। वाकई बाबा सही? हाँ बाबा वाकई, क्या मतलब यकीन नहीं आ रहा तेरे को? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बेटा हम घूमेंगे फिरेंगे। हाँ वाह बाबा सही, फिर तो बहुत मजा आएगा। अच्छा ये बच्चों की तरह है? बच्चू मुआ होगा, अपनी बेगम के कदमों में बैठा हुआ होगा, जोरू का गुलाम। अच्छा अभी बुलाता हूँ उसको। अरे बच्चू बच्चू। अरे कौन है बाबा? अरे बाबा सही अस्सलाम वालेकुम। आप? हाँ मैं हूँ भाई, क्यों मैं नहीं हूँ क्या? नहीं बाबा सही, अचानक कैसे आना हुआ? अचानक क्या मतलब? अचानक हमने सोचा कि हम जाते हैं अपने बेटे के घर, जाके वहाँ आराम करते हैं बस, और क्या। बाबा सही आराम तो आप गांव में भी बहुत करते हैं। अरे तो यहाँ क्या मुसीबत है कि मैं यहाँ आराम नहीं कर सकता, देख रही हो ना? नहीं नहीं बाबा सही, मुसीबत तो कोई नहीं है। बस बस अब चुप हो जा, मैं अपनी बेटी जरीना के पास आया हूँ। और बाबा सही मैं? चलो जाओ तुम अपनी बेगम के रूम में जाके बैठो, जोरू का गुलाम कहीं का ना हो तो। जाओ चलो जाओ जाओ जाओ। अच्छा बाबा सही चलो। जोरू का गुलाम, जोरू का गुलाम, जोरू का गुलाम। हमारे खानदान में तो कोई ऐसे पहले पैदा ही नहीं हुआ था। अबे यार हमजा, आजकल बड़ा दिन ब दिन तेरा रूप निकलता आ रहा है, निखार। क्या क्या कह रहा है भाई आजकल तू? अच्छा खैर थोड़ी बात को, असल में ना मेरे जो मालिक है ना नॉर्दर्न एरियाज में जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले महीने की जो तनख्वाह ना तेरे भाई को नहीं मिलने वाली। तू एक काम करेगा भाई का? हाँ बोलिया, क्या काम है? यार कुछ पैसे ना भाई को उधार दे रहे, बस जैसी तनख्वाह मिलेगी मैं तुझे लौटा दूंगा। तेरा दिमाग खराब हो गया? तूने इस फजूल काम के लिए मुझे यहाँ बुलाया, अपना जरूरी काम छोड़ के आया हूँ तेरे पास। बात तो सुन तू, अबे भाई मेरे बात तो सुन। अबे हेलो, ओ किस तरह के भाईयात लोग हैं मेरे, उधार नहीं दे सकते, कैसा दौर आ गया। खट्टा मीठा, खट्टा मीठा। क्या हुआ? अरे पापा वो बाबा जानी आ गए। क्या फिर से? हाँ बाबा। अब हमने जो जाने का प्लान बनाया था उसका क्या? अरे बाबा वो कौन सा हमारे बैग पे बैठ के जा रहे हैं। फिर भी हर बार इसी तरह मुंह उठा के आ जाते हैं। ऐसा तो नहीं कहूँ ना बाबा। क्यों, मैं बता रही हूँ आपको, अगर पापा जानी आते ना तो मैं उन्हें बता देती पापा जानी हम जा रहे हैं, बाद में आइएगा बस। अच्छा पापा कभी आएंगे तो वो भी देख लेंगे। ना 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 करे। हाँ हाँ नहीं ठीक, नहीं नहीं अभी प्रोग्राम कैंसिल मत करो। नहीं है चांस है छुट्टी का, छुट्टी का था। अरे नहीं नहीं, काम करो एक काम करो, सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दो, बाद में बात करता हूँ, बाद में बात करता हूँ, बाद में बात करता हूँ। जानी कैसे तो? सेठ साहब आप? हाँ मैं, तू कैसा है? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक, कैसे आना हुआ? मेरे बेटे का घर है, जब मर्जी आएगा जब मर्जी जाएगा। नहीं बात तो ठीक है आपकी, मैं बिल्कुल सही बोल रहा था। चलो अंदर चलो बात करते हैं। आप जाए मैं आता हूँ। अच्छा सारी मुसीबत तो एक सौती आई हुई है। बहुत मजा आने का, बहुत मजा आने का। हाँ बिल्कुल, बस एक हफ्ता यहाँ गुजारेंगे, क्या ख्याल है तुम्हारा बाबा? हाँ और नहीं तो क्या जी। अच्छा तो पर एक काम करते हैं, वक्त गुजारने के लिए कुछ इंतजाम बाबा करते हैं ना हम। क्या मतलब है? मतलब बस एक मिनट रुको, तुम सबर करो मैं। जानी, ओ बाबा जानी। जी 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 जी। इधर आओ इधर आओ जी साहब। जानी तुम ऐसा करो कि बाजार जाओ और वहां से जो है ना लूडो और वो कैरम बोर्ड ले आओ। क्यों? अरे बाबा जितना बोला है उतना करो बस। मेरा मतलब है किस लिए चाहिए आपको ये? बाबा जब हम यहाँ रहेंगे तो वक्त गुजारने के लिए थोड़ा सा खेल कूद होनी चाहिए ना बेटा। क्या सर एक दिन में कितना बोर हो जाएंगे आप? किसने बोला कि एक दिन के लिए आया है? फिर हम एक हफ्ता पूरा यहाँ गुजारेंगे। अब शक्ल क्या देखने का, जाने का,
और सारा सामान लाने का। अच्छा ठीक है, मैं जरा सीमा मैम से मिल लूं। आ जाओ जाओ जाओ, हर वक्त रोता रहता जी। अरे बाबा ये तीन भी रख दो। क्यों क्यों बच्चू, सारे कपड़े क्यों लेके जा रहे हो, क्या करोगे इनका? अरे बाबा तीन ही और दिए, और क्या है उसमें? क्या हुआ जानी? क्या हुआ बाबा बताओ? एक बात है। बताओ बताओ बाबा। और बाबा बाबा हमारे हनीमून का क्या होगा? मैंने सोचा कि जाने से पहले आप लोगों को बता दूं। तुम कहाँ जा रहे हो? हनीमून पे। अरे बाबा ये तो अकेला जा रहा है हनीमून पे, क्या मुसीबत है बाबा, क्या करें अब? एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं, सबको बताते हैं कि उनकी वजह से हमारा हनीमून का प्लान कैंसिल है। नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको। हाँ बाबा क्यों, क्या हुआ? मुझे लगता है कि इनका आना हमारे लिए अच्छा है। वो कैसे बाबा? ओहो भाई देखिए, अगर हम चले जाते तो घर में जानी और जरीना अकेले हो जाते ना। हाँ खुद बताएं, क्या जानी को और जरीना को अकेले ऐसे घर में छोड़ना सही था? वाह बेगम वाह, क्या बात सोची है। एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं, इनको बता देते हैं हम जा रहे हैं। आ जाओ आ जाओ, चलो 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 चलो, शाबाश चलो, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम, अपने बाप से मिलने का वक्त मिल गया तुमको? वो असल में पापा, वो हम लोग ना जाने की तैयारी कर रहे हैं। जाने की तैयारी कर रहे थे? अरे बाबा किधर जा रहे हो तुम लोग? बोलो ना बच्चों। वो बाबा जानी, हमने वो ना घूमने का प्लान बनाया हुआ है। अरे बाबा शाम को चलेंगे ना सब मिलकर समंदर पर घूमने। बात खत्म हो गई? नहीं बाबा जानी, वो वाला नहीं। फिर कौन सा घूमर होता जी? वो पापा वो शादी के बाद घूमने जाते हैं ना। हाँ वो हनीमून बाबा, हनीमून। अच्छा 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 अच्छा, आज बाबा फिर कहाँ जाने का इरादा है? हम लोग ना पूरा पाकिस्तान घूमने जा रहे हैं और वापसी पे हम बच्चों के गांव भी जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा बात हो गया ना। अरे बाबा एक और अच्छी बात ये होगी कि हम सब साथ मिलके चलेंगे ना। ये तो और अच्छा बात हो गया ना, मैं भी जाएगा, काफी अच्छे से मैं भी बाहर नहीं निकलेगा। अब तो फिर पक्का हो गया हम सब साथ चलेंगे। वेरी गुड। मतलब पापा वो हनीमून शादी के बाद अकेले घूमने जाते हैं ना यानी? बाबा जानी वो हनीमून पर सारे घर वाले तो साथ नहीं जाते ना। हाँ तो हम कौन सा तुम्हारे गोद पर चढ़ के बैठ जाएंगे? वहाँ जाके तुम लोगों के लिए अम्मियाँ ढूंढ लेंगे ना। मेरा मतलब है कि हम अलग से घूमने जाएंगे ना। कैसे लोग हैं आप? क्यों क्या हो गया जी? अरे पापा आप खुद सोचिए ना, अगर आप बाबा साईं में बच्चों हम सब चले गए तो जरीना तो घर पर अकेली रह जाएगी। अरे हाँ अकेला क्यों, वो जानी है ना। अरे बाबा साईं आपकी गैरत को क्या हो गया, आप मेरी बहन और अपनी बेटी को जानी के साथ अकेला छोड़ के जाएंगे? क्या सोच रहे हैं आप लोग भला, क्या शतरंज की तैयारी हो रही है? अरे नहीं बाबा, ये लोग जा रहे हैं पाकिस्तान घूमने, उधर जो है ना वो हनीमून मनाने के लिए जा रहे हैं, हम भी लोगों के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि जरीना अकेली यहाँ कैसे रहेगी। भला इसमें परेशान होने की क्या बात है, बाबा साईं मैं भी चलती हूँ क्योंकि मैंने भी आज तक कभी हनीमून नहीं देखा। हाँ तो बस ठीक है, फिर जरीना भी साथ जाएगी। ठीक है, पीछे को काम काज तो होने का नहीं तो जानी को भी छुट्टी पे भेज देते ना। अरे नहीं बाबा, अब जानी को भी साथ ले चलते हैं ना, वहाँ पे भी काम करने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी, वहाँ पे भला कौन काम करेगा, मैं थोड़ी करूंगी। वाह मेरी बेटी ने क्या बात कही है, बड़ा जीनियस है, जीनियस है। चलो बड़ा भी ठीक है, मैं सामान की पैकिंग कर कर आती हूँ फटाफट। वेरी गुड। अरे लेकिन बाबा जानी टिकट हमें दो बड़ी मुश्किल से मिले, और टिकट कहाँ से मिलेंगे? घबराने की बात नहीं, हम अपने एजेंट से बात कर लेते ना। अरे इनका क्या हुआ जी? वो पैकिंग करने गए होंगे बाबा। लेकिन मुंह तो इनका मुक्के जैसा था, समझ नहीं माइंड किया ना। अच्छा हाँ वाला बताओ, कोई अपने हनीमून पे पूरा का पूरा टब्बर लेके जाता है। अरे बिगम आप इस बात पे उदास हो? तो तुम किस बात पे उदास हो? अरे बाबा मैं तो सोच रहा था कि सब चले जाएंगे तो मेरी गाय का ख्याल कौन रखेगा। तुम किस किस्म के आदमी हो, यहाँ पे मेरा पूरा हनीमून का प्लान बर्बाद हो रहा है, तुम अपनी गाय की पड़ी है। नहीं नहीं बाबा, उसका भी सदमा है, मुझे बहुत अफसोस है,
लेकिन मसला ये है कि हम कर भी क्या सकते हैं, एक तरफ मेरे बाबा जानी है, दूसरी तरफ तुम्हारे पापा जानी। तो मतलब कोई काम ढंग से नहीं कर सकता। हाँ बाबा, इससे बेहतर है कि हम घर पर ही रहें, कहीं ना जाएं। मेरे पास ना एक बहुत कमाल की तरकीब है। बाबा बताओ बताओ, बाबा बताओ। हे बाबा, वाह बेगम वाह, क्या दिमाग है बाबा, हाथ मिलाओ इस बात में, वाह वाह पक्का हो गया। ये सही है। हाँ बाबा म्यूजिक कर, वाह वाह वाह। खट्टा मीठा खट्टा मीठा। अच्छा बाबा, वो टिकट का मसला हल हो गया? हाँ, मेरा ट्रेवल एजेंट से बात हो गई। तो कब होगा? रात में। अच्छा रात को जाने का है? हाँ रात को जाने। अरे 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 अरे, 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 अरे बाबा साईं। हाँ बाबा, क्या हुआ? भला रात को जाने में क्या खाक मजा आएगा? ट्रेन में नहीं जाने का, जहाज में जाने का। जहाज में जाके उतरना, होटल में ठहरना, रात को आराम करेंगे, सुबह घूमने निकलेंगे। सेठ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। अबू जो, मेरा जाना जरूरी है क्या? हाँ बाबा, तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है, भला घर का काम और वहाँ की चीजें भी कौन करेगा? आ, सही बात है ना, तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। ठीक है फिर। और हाँ, जानी जाके सीमा और बच्चों को बोलो कि तैयारी पकड़ने का, रात को निकलने का। ठीक हो गया? ठीक ठीक है। और तुम्हारा जाना जरूरी है। अरे निकलो भला, जहाज निकली विंदो, चलो भाई जहाज निकल जाएगा। ओहो सरीना, कितने शोर में जाती हो तुम। चले बाबा। आ, चलो मेरा बेटी आ गया, चलने का। चलो, चलो चलो बाबा, चलो 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 चलो। अरे अरे अरे, मेरा बच्ची को क्या हो गया? अरे क्या हो गया? पानी लेकर आ, पानी 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 लेके आने का, जल्दी करो जल्दी, पानी ले आओ। ओहो ओहो, पानी लेना पानी लेना। अरे बाबा, खुशी में पहली दफा घर से बाहर घूमने के लिए जा रही थी ना, मुझे लगता है कि बेहोश हो गई। मेरे ख्याल में बाबा वो फ्लाइट का टाइम हो गया, आप लोग जाओ। अरे बच्चू, यहाँ बच्ची बेहोश पड़ी है, तुम्हें फ्लाइट की लगी हुई है यार। मेरी बेटी को हुआ क्या? बेटी हुआ क्या? अरे बाबा सीमा, आप ठीक है? सर में दर्द हो रहा है, नहीं उठा जा रहा, सोने दे मुझे भाई। अरे बाबा सीमा, हमने जाना है वो हनीमून पर। ऐसे कैसे जा सकते जी? अरे बाबा क्यों नहीं जा सकते, अब वो होश में आ गई ना, चलो। लेकिन बाबा इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना। अरे बाबा, आप लोग अपना इरादा मुलतवी ना करें, मैं सीमा को डॉक्टर को दिखाकर अगर इसकी तबीयत बेहतर हुई तो जहाँ आप होंगे वहीं आ जाऊंगा। हाँ ये कुछ कुछ समझ में आता है, मगर मेरे बेटी। अरे बाबा तुम छोड़ ना यार, वो जिसकी जिम्मेदारी है उसके साथ है ना। एक काम करता हूँ, मैं रुक जाता हूँ। हरगिज नहीं, तुम हमारे साथ चलोगे। अरे बाबा आप लोग जाएं वरना जहाज निकल जाएगा। अच्छा ठीक है, मेरी बेटी का क्या लकड़े का, डॉक्टर को बुला के इसको दिखाने का। अरे पापा जानी, आपकी बच्ची है, मेरी तो बीवी है, मैं भी डॉक्टर को फोन कर देता हूँ, वो आ जाएगा। चल भाई यार, देर हो रही है, बस चलने का, चलने का, चलने का। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो मेरा बच्चा। आ जाओ जरीना, आ जाओ मेरा बच्चा, आ जाओ। चलो 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 चलो। अरे बाबा सीमा गए। अरे बाबा उठो, गए सारे बाबा उठो। बेगम, अरे बेगम तुम क्या, वाकई में बेहोश हो गई है क्या? वाह बेगम वाह, आपने तो ऐसा नाटक किया, मैं समझा वाकई में बेहोश हो गई हो। सच्ची? अब ये बताओ बेगम कि हमने यही हनीमून बनाना है या जाना है? अरे भाई घर में क्यों, हमने कहा था हम घूमने जाएंगे। अच्छा तो वो कैसे? वो ऐसे ही, मैंने हमारे टिकट कैंसिल ही नहीं करवाए थे। क्या बात कर रही हो, वाह सही वाह, क्या बात है क्या बात है, तो चले फिर। हाँ हमारी भी तो फ्लाइट लेट होनी है ना, चलो चलो चलो, चलो, बाबा, चलो। ये उठाओ ये उठाओ। अरे अरे बाबा, अरे बाबा तो फिर वो लाल वाला उठा लो बाबा, लाल वाला उठाती हूँ। चलो बाबा चलो चलो। आजो बच्चो आजो जल्दी आओ बच्चो, तुम कभी वो ऊपर पहाड़ों पे गए हो? नहीं। जून में भी वहां पे बर्फबारी होती है। ये आवाज है। हाँ बाबा किसकी आ रही है? चलो बाबा चलो जल्दी करो। अरे बाबा आप लोग यहाँ कैसे? आप शायद भूल रहे हैं, हम भी इसी घर में रहते हैं। हाँ बाबा वो ठीक है, गए नहीं लेकिन मजिस्ट्रेट साहब का भी दिल नहीं लगा और मौला दाद भी राजी हो गए, तो इसलिए हम वापस आ गए। जब तक सीमा मैडम ठीक नहीं हो जाती हम नहीं जाएंगे। लेकिन सीमा मैडम आप तो फिट लग रही हैं।
हाँ बाबा सही, इन लोगों ने हमको धोखे से चकमा दे के भेजा ताकि हम लोग यहाँ से चले जाओ और ये पीछे बड़ी मौज मस्तियाँ करो और घूमे फिरे। मेरा हनीमून। अरे बाबा ये तो असली में बेहोश हो गई। बाबा देखो तुम अभी दूध लगाने की बात नहीं कर रहे, सही देखो तुम मां नौकर लोग जो ना हम ये दूध लगा लेता है फिर मालिक लोगों जब बिल भेजता है वो चिक चिक करता है। अबे ओ भाई तभी से बात कर, बाबा मैं ही मालिक हूँ। ओ कब से ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया। क्या तुमने मेरा आधा खो दिया? अरे आप तो हम सब दूध वालों के माई बाप निकले। निकले क्या मतलब है बाबा, निकलता तो दूध है बाबा, हम तो तशरीफ लाए हैं। क्या लड़का? अरे नहीं बाबा, वो तो सिर्फ दूध वाला था। क्या मतलब दूध वाला? तुम दूध वाले नहीं हो क्या? रॉकेट शिप बनाते हो? तुम भी तो दूध वाले हो, मैंने भी तो दूध वाले से शादी की है ना। अरे भाई आप ही की भलाई कर रहा हूँ, बुराइयाँ की है ना, जब ही जाके कहीं 6000 कार्टन का ऑर्डर मिला है। अरे बाबा बकवास बंद करो, हमको ऐसी कमाई नहीं चाहिए जो हमारे भाइयों की बुराई करके हासिल हो। अरे बाबा तुम लोग खुद कुछ क्यों नहीं करते हो? अरे सही हम क्या करें, आप जैसे बड़े लोग भी दूध वाला होके कुछ नहीं करते सही, तो हम क्या करेंगे? बाबा आप लोगों ने घबराना नहीं है, जब तक बच्चू आपके साथ है ना आप लोगों का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। हमारा लीडर कैसा हो? वो सारे दूध वाले ना हमारे घर में जमा हो गए। क्या लेकिन तुम लोग तो खुद दूध वाले हो। ऐसी नहीं मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।